बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अब आज हम आपको ब्रीडिंग फार्मूला दाना बनाना सिखाएंगे। इससे क्या है, जिसके पेट ब्रीड पे ना आ रहे हों उसके लिए भी और जो फर्टाइल ना कर रहे हों उसके लिए भी। ये आपने बाजरा ले लेना है 1 किलो। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो 1 अंडा ले लेना है, 1 ईवियम कैप्सूल ले लेना है, जो भी आप लोगों को मिल जाए, कैल्शियम पी सिरप ले लेना है और वाइटलिन का सिरप ले लेना है। उसके अलावा जैतून का तेल ले लेना है और ये मछली का तेल ले लेना है। ये आपको हकीम की दुकान से मिलेगा थोड़ा बहुत। अब हम इसको बनाने का तरीका शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1 चम्मच मछली का तेल है, इसके अंदर आप लोगों ने 1 चम्मच ही जैतून का तेल मिलाना है। ये हो गया। उसके बाद आपने इसके अंदर एक ढक्कन वाइडलिन मिलाना है, उसके बाद 1 ढक्कन कैल्शियम पी मिलाना है। उसके बाद आपने इसे अच्छी तरीके से देखें, दोनों चीज़ें सिरप मिला ली हैं और इसे अच्छी तरीके से ऐसे शेक कर लेना है। ये देखें, ये बिल्कुल एक हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये इस टाइप का बन जाएगा। अब मैं बाकी काम कर लूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ क्या करना है आगे। तो उसके बाद आप लोगों ने जो है जब ये बना लिया है तो ये अंडा तोड़ना है। इसके अंदर आप लोगों ने ये ईवीएम का कैप्सूल है, ये कोई भी यूज़ कर सकते हैं, 200, 400 और 600, जो आप लोगों को आराम से मिल जाए। हाथों वगैरह होंगे जो आपके लग गए, वो आप ऐसे बाजरे में रख करेंगे तो वो सारा बाजरे में ही जाएगा। कपड़े से साफ करके वेस्ट मत कीजिएगा। जो भी आपके पास ईवीएम अवेलेबल हो आपने वो लगाना है। और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो फिर आपने ये जो बनाया है उन तीनों चीज़ों को, ये देखें, ये सब एक साथ मिक्स हो चुके हैं।
ये देखो, फिर आपने इसको इसमें इस तरीके से लगाना है। जो इसमें भी लगा हुआ है वो भी आपको वेस्ट नहीं करना है, आप सादा बाजरा इसमें डालेंगे ना थोड़ा सा, तो ये सबको चिपका लेगा। अब आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये देखें, इतनी अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि सब पे लग जाए अच्छी तरीके से। और आप लोगों ने इसको पंखे के नीचे खुशक करना है, छाँव में खुशक करना है, बस धूप नहीं लगने देनी है आपने इसको, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये है ब्रीडिंग वाला दाना, जिनके बर्ड ब्रीड पे ना आए हो तो ये आप लोग दें, इंशाल्लाह आपके बर्ड ब्रीड पे आ जाएंगे। कोई बर्ड आपका इनफर्टाइल कर रहा हो तो वो भी सही हो जाएगा, विटामिन की कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं। अब ये लो, आप अलग से चाहें खाली बाजरे में बनाएं, आप चाहें अपनी मिक्स सीड में बनाएं, आप चाहें जैसे जिसका बर्ड जो खाता हो आप ये बना सकते हैं, और इंशाल्लाह आपको थोड़ा फ़ायदा होगा। फिर मुझे कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ये देखें, ये अच्छी तरीके से नीचे तक सब बाजरे में लग गया है। अब जब ये सूख जाएगा फिर हम इसका आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। देखिए 12 घंटे सूखने के बाद इसकी ये कंडीशन है, ये देखें, ये बिल्कुल सूख के ऐसा हो जाएगा जैसे कि आपने इसमें कुछ डाला ही नहीं था। ये देखें, तो ये आप अपने बर्ड्स को ऑफर करें, इंशाल्लाह इसके बर्ड ब्रीड पे नहीं आ रहे, उसके ब्रीड पे भी आ जाएंगे, जो इनफर्टाइल का मसला कर रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और बहुत ही सस्ता तरीन ये फॉर्मूला है, जो लोग इतने महंगे महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते वो ये ट्राई करें, और मुझे कमेंट में बताएं।